ये वीडियो लिटरली मास ऑडियंस के लिए नहीं है। तो देखो यार, आजकल इंडियन सिनेमा के अंदर सिर्फ दो चीजें चल रही हैं, एक तो बहुत अलग लेवल का मास मूवी हो या फिर एकदम ग्राउंड रियलिटी पे जाके जो ऑडियंस को हिट करे उस तरीके की मूवीज चल रही हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्राउंड रियलिटी को हिट करने वाली मूवी के बारे में जो कि आपको बहुत ज्यादा फन एलिमेंट प्रोवाइड करने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ लापता लेडीज मूवीज के बारे में। और अगर आप एक ऐसी ऑडियंस हो जिन्होंने इसका नाम नहीं सुना तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस को इसके बारे में पता नहीं है। और कल ही उसका जो टीजर है उसको रिलीज कर दिया गया है, तो उसके ऊपर मेरे क्या थॉट्स हैं आज की इस वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इस मूवी की स्टोरी आप लोगों के सामने ऐसी दो नई नवेली दुल्हन की कहानी रखने वाली है जो कि एक ही रात में एक ही ट्रेन से लापता हो गई है, और उनको ढूंढने का जिम्मा जो है वो दिया गया है रवि किशन जी को, जिन्होंने इसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है, एक SHO का रोल प्ले किया है जो कि उनको ढूंढने में लगे हुए हैं। तो अब उनको ढूंढने में कितने पापड़ वो बेलते हैं, किस तरीके से आपको एकदम ग्राउंड रियलिटी पे स्टोरी को प्रेजेंट किया जाता है, ये इस पूरी मूवी की स्टोरी होने वाली, विद लॉट ऑफ इमोशंस, विद लॉट ऑफ कॉमेडी, विद लॉट ऑफ फन एलिमेंट। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा जिसका नाम है लापता लेडीज। और अगर मैं आप लोगों के सामने इस टीजर का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करूं तो मैं इतना ही बोलूंगा कि ये टीजर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी पर मूवी नहीं आई है जो कि ऑडियंस के सामने एक रूरल इंडिया की स्टोरी रखता हो। और बात करें इसके बारे में क्या स्पेशलिटी है, देखो दो बातें बहुत कमाल की है। पहला जो इसका प्रोडक्शन हाउस है वो है आमिर खान प्रोडक्शन हाउस, क्योंकि आमिर खान ने खुद एक्टिंग से पिछले 2 साल से ब्रेक लिया है जब से उनकी लाल सिंह चड्ढा मूवी नहीं चली है। अब वो फिर से एक बार कमबैक करने वाले, वो भी एक धमाकेदार कमबैक होगा। बात करें इसके डायरेक्टर के बारे में तो इसको डायरेक्ट करने वाले हैं किरण राव, जिन्होंने हमको इससे पहले 2010 की एक बहुत कमाल की मूवी दी है जिसका नाम था धोबी घाट। तो वो मूवी काफी ज्यादा रिलेटेबल थी, काफी ज्यादा ऑडियंस को पसंद आई थी। तो अब एक बार फिर से वो एज अ डायरेक्टर वापस आ रही है इस मूवी के अंदर, और जिस तरीके का उनका एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरीके से ऑडियंस ने उनकी उस मूवी को प्यार दिखाया है, मुझे लगता है काफी हद तक ये मूवी भी उस लेवल की जाने वाली है। और इस मूवी के बारे में एक और कमाल की बात, देखो कि इसके अंदर ना तो कोई बड़ा नाम है ना कोई बड़ा स्टार है, जो भी ऑडियंस इसने ग्रैब करनी है, जो भी ऑडियंस को अपनी तरफ अटेंशन दिलवानी है, वो पूरी तरीके से एक्टिंग बेसिस पे होगा। अब कितना पैसा है, कितना बजट है, उस हिसाब से कितना प्रमोशन इसका होगा नहीं होगा, वो सारी बातें मैटर करती कि क्या ये ऑडियंस तक पहुंच पाएगी सही से कि नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को पंचायत वेब सीरीज देखना पसंद है, आप लोगों को TVF के शोज देखना पसंद है जो कि एकदम ग्राउंड रियलिटी पे बनते हैं, ऑडियंस से रिलेटेबल होते हैं, तो मैं चाहता हूं पर्सनली कि, और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस मूवी को सपोर्ट करो, इस मूवी को प्रमोट करो। अब जो इसका बजट है, कैसी मूवी बन के निकलती है, वो बात की बात है, लेकिन अगर एक अच्छी मूवी ऑडियंस तक पहुंचेगी तो ऑडियंस को कंटेंट देखने को मिलेगा, इंडियन सिनेमा ग्रो करेगा। तो जितना सपोर्ट आप लोग अपने मेगा स्टार, बड़े बड़े स्टार्स के मूवीज के लिए, प्रमोशन के लिए दिखाते हो, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी मूवीज का भी सपोर्ट करो जो एकदम लो बजट पर है लेकिन उनके कॉन्टेंट में दम हो। तो देखो यार, टीजर वाइज, फर्स्ट इम्प्रेशन वाइज ये अच्छी लग रही है। अब देखने की बात देखिए किस तरीके से बन के निकलती है, क्योंकि जिस तरीके के पंचेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से आपको सिचुएशन को दिखा के कॉमेडी प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, वो अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों ने इसके टीजर को चेक कर लिया है, आपको ये टीजर कैसा लगा नीचे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, मत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ऑडियंस को पता लगे कि एक ऐसी मूवी बन रही है, मास मूवी को प्रमोशन मिलता है, सब कुछ होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसी मूवी को भी प्रमोशन मिलना चाहिए जो डिजर्व करती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।